चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ पूरी तरह से हार चुके हैं, जिसके बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रहा है। हालांकि सभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को यह लग रहा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव जीत जाएंगे। जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे, उससे उम्मीद जाग बैठी थी कि आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ हार जाएंगे और अपने अपने प्रतिक्रिया लोग सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मुद्दा सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब उठ रहा है, जिसे हर कोई काफी ज्यादा शेयर कर रहा है। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव हारने के बावजूद भी निरहुआ के फैंस उन्हें मंत्री पद में सीट देने की बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक मुद्दा उठा चुके हैं और हर कोई इस मुद्दे पर बात कर रहा है। आपको बता दें कि इस पर भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने भी इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि ऐसा करने की जरूरत है। हालांकि आपको बता दें कि उनके ऑफिशियली अकाउंट से इस तरीके का कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है, लेकिन पवन सिंह के फैंस के द्वारा और उनके पेज के द्वारा निरहुआ को मंत्री पद देने की बात काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और हर कोई फैंस चाह रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को कोई ना कोई मंत्री पद जरूर दिया जाए, क्योंकि वो हवाला दे रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में स्मृति सिन्हा चुनाव हारी थी लेकिन उसको बावजूद भी उन्हें मंत्री पद दिया गया था, ठीक उसी तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ अगर आजमगढ़ से चुनाव हारे हैं तो उन्हें भी कोई ना कोई मंत्री पद देना चाहिए। इस तरीके का बयान सोशल मीडिया पर निरहुआ के पक्ष में काफी ज्यादा लिखा जा रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या मोदी सरकार इस बारे में कुछ सोचेगी या फिर इसका प्रतिक्रिया कब सामने आएगी, यह तो बाद में ही पता चल पाएगी। लेकिन जिस तरीके से निरहुआ ने अखिलेश यादव के गढ़ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है और निरहुआ की चर्चा इन दिनों बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हो रही है। लेकिन फाइनली रिजल्ट तो यही रहा कि दिनेश यादव निरहुआ आजमगढ़ में अखिलेश यादव से करीब 2.5 लाख वोटों से हार चुके हैं और उनका 2019 में संसद जाने का सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है।